मेरा नाम अनिशा बेगम है, मैं जमुना खादर में रहती हूँ। मेरे तीन बच्चे, मेरे पति के मोतियाबिंद है, मैं बेलदारी करती हूँ, उनके उठाती हूँ, जो काम मिल गया है वो कर लेती हूँ। कोरोना बीमारी में मेरे बच्चे भूखे रह रहे हैं, सो रहे हैं, दो दिन हो गया काम धंधा नहीं मिल गया है मेरे को, मैं कहाँ से अपने बच्चों को खिलाऊँ पिलाऊँ। यहाँ खाना बनने भी आता है, इतनी भीड़ जाती है, मैं खाना ले ही नहीं पाती हूँ, इतनी भीड़ में धक्का धुक्की होती है, बच्चों दब जाते हैं, कहाँ से मैं खाना कैसे लूँ, कैसे अपने बच्चों को मैं खिलाऊँ। मेरे तो राशन कार्ड भी नहीं है, राशन कार्ड मेरा तो आया नहीं है, पेंटिंग में पड़ा है, मुझे तो राशन भी कहीं से नहीं मिल गया है, मैं अपने बच्चे कैसे पालूँ। आशा के लोगों ने आकर मेरे घर पर राशन दिया, मेरे बच्चों का हालचाल भी पूछा, मैं अपने बच्चों को पका खिलाए रहेंगे, नहीं तो अगर ये राशन भी ना मिलता तो मेरे बच्चे को भूखे रह ही रहते। उन्होंने बढ़िया से मेरी इतनी मदद करी, बहुत उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब को मेरा धन्यवाद और आशा कर्मियों को मेरा धन्यवाद। मेरे बच्चों को राशन दिया उन्होंने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी भैया मेरी मदद करना, आप लोगों ने राशन दिया, बहुत मुझे लोगों को आसरा मिल गया है। अब तुम्हारे लोगों को पढ़ें, अगर थोड़ी मदद और भी कर दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लोगों के लिए। जब तक ये लॉकडाउन नहीं खुल गया है, जब तक आप मेरी मदद करते रहिए।